हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शुभि एंड श्री। सो फ्रेंड्स, आज हमारी स्केच क्लास का लेसन 32 है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक चाइल्ड जो कि एक लैंडस्केप पर बैठा हुआ था। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक क्यूट से लिटिल गणेशा, क्योंकि अभी गणेश उत्सव आने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक कर्व ड्रॉ करना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें पहले अपने स्केच की एक लाइट बाउंड्री ड्रॉ करनी होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए ड्रॉ करते हैं। हमें कुछ इस तरीके का एक कर्व ड्रॉ करना होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस तरीके का हमने एक लाइट कर्व ड्रॉ किया है। और उसके बाद हम उसके ऊपर से एक और कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब हम इनके ईयर्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके का एक शेप देना होगा और लेफ्ट साइड पर भी हम सेम वैसा ही शेप देंगे, इस तरीके से। अब हम इनके आगे की बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर हम एक स्पाइरल डिजाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक इस तरीके से इनके लेग्स ड्रॉ करने होंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर राइट लेग भी ड्रॉ करेंगे। और अब हम इनकी बॉडी ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इनके हैंड्स को ड्रॉ करिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपना आगे का स्केच ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे का स्केच कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम इनके हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको इनके हेयर्स ड्रॉ करने होंगे। एंड क्योंकि ये चाइल्ड गणेशा है, तो हम इनके सिर्फ कुछ ही बाल दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट दिखते हैं इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली लेफ्ट साइड पर भी हमें उसी तरीके से लाइंस को ड्रॉ करना है और उतने ही डिस्टेंस पर, इस तरीके से। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से उनकी ज्वेलरी ड्रॉ करेंगे। जस्ट आपको कर्व देना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम इनके फेस में आईज नोज ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरीके से एक कर्व देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं इस तरीके से इनके आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ। और अब हम हमारे गणेशा जी की आईज ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें इनकी आईज ड्रॉ करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे का स्केच ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पर हमें इस पूरी बाउंड्री को डार्क करना होगा। तो हमें इस तरीके से इसकी पूरी डार्क बाउंड्री ड्रॉ करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे इसकी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, डार्क बाउंड्री, जिससे कि इसमें और भी अच्छा इफेक्ट आएगा। अब हम इनके आईज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से इनके आईज ड्रॉ करनी है एंड देन यहाँ पर इसे भी हम इस तरीके से डार्क कर लेते हैं और आईब्रोज में हम डार्क शेडिंग फिल करेंगे। इस तरीके से अब हम बाकी की बाउंड्री को भी डार्क कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे स्केच की बाउंड्री को डार्क कर लिया है और अब हम लिटिल गणेशा की यहाँ पर टीथ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें अब इसमें शेडिंग देनी है। शेडिंग आप किस तरीके से देंगे? इनके ईयर्स में लाइट शेडिंग देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करके इसमें शेडिंग देनी है और हम लेफ्ट साइड के ईयर पर भी इसी तरीके से लाइट शेडिंग देंगे कर्व करके। और अब हमें इनकी धोती में शेडिंग देनी होगी। पहले हम यहाँ पर इस तरीके के कुछ कर्व्स ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके की डिजाइन्स देंगे। इस तरीके से जस्ट आपको कुछ कर्व्स ड्रॉ करने हैं और इनके हेड पोर्शन पर हमें यहाँ पर इस तरीके से एक लाइट लाइन ड्रॉ करनी है और हम यहाँ पर एक सर्कल भी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे डार्क कर लेते हैं और हमें इसमें भी वही कर्व डिजाइन देनी है इस तरीके से। सॉरी फ्रेंड्स, हमें इस दांत को थोड़ा सा टूटा हुआ बनाना है तो हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है एंड देन अब हमें इसमें कुछ और एक्सेसरीज डालनी होगी इस तरीके से। आप इनके हैंड्स पर इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए एंड देन अब हमें यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे कितने प्यारे लिटिल गणेश रेडी हुए हैं बनकर। आप देख सकते हैं ये कितने क्यूट दिख रहे हैं और हमने इनकी एक्सेसरीज भी ड्रॉ करी है इसलिए ये और भी प्यारे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्केच को किसी भी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में पेंसिल अवेलेबल हो आप उससे इस स्केचेस को ड्रॉ कीजिए। मेन मोटो सीखने का है, पेंसिल का नहीं। सो फ्रेंड्स,
आज की हमारी स्केच क्लास यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्केच के साथ लेसन 33 में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।